बिजनौर कमेटी में आपका स्वागत है। बिजनौर जनपद में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोरोना के नए 17 मरीज मिले हैं। बीती रात आई रिपोर्ट में CMO ऑफिस के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी अपने परिवार के साथ पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से 2 दिनों के लिए CMO कार्यालय को बंद कर दिया गया है। सभी कोरोना संक्रमित इन मरीजों को L1 अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मरीजों के आसपास के क्षेत्र के 250 मीटर के दायरों को सील करके उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। इन सभी जगहों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बीती रात कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK निगम में उनके परिवार के 2 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कुल 17 नए कोरोना के संक्रमित मरीज बीती रात मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 14,571 नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 13,274 की रिपोर्ट आ चुकी है। अब तक 12,657 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। CMO विजय कुमार यादव ने बताया कि जिले में अब तक 418 मरीज कोरोना संक्रमित है, इनमें से 8 की मौत हो गई है। 292 मरीज कोरोना के ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं, जबकि 117 कोरोना के अभी एक्टिव केस है। अभी 1297 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रशासन द्वारा सभी कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए COVID-19 के L1 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उनके घर के आसपास के 250 मीटर के दायरे को सील करके उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और उन्हें सैनिटाइज कराए जाने का काम किया जा रहा है। जनपद में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जांच का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।